इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में भी 18 प्लस वालों को और 45 साल से ऊपर दोनों कैटेगरी के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई। कोरोना प्रोटोकॉल्स भी टूटते नजर आ रहे हैं। मुंबई के राजवाड़ा अस्पताल के संवाददाता से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमें मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में दोपहर का वक्त है और अब यहाँ पर धीरे धीरे टीका लेने के लिए आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 45 प्लस और 18 प्लस लोगों को आज मुंबई के अलग अलग टीकाकरण केंद्रों पर टीका दिया जा रहा है और जिस तरह से संख्या यहाँ पर लोगों की बढ़ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद मुश्किल हो गया। यहाँ पर आप देखिए कितने कम अंतर पर लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये मुंबई का सबसे ईस्टर्न मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल है, टीकाकरण केंद्र है, जहाँ पर मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर टीका लगाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही में दाई तरफ का हिस्सा देखिए आप, यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आए हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं, जगह काफ़ी कम है, काफ़ी एक दूसरे के वो चिपक कर खड़े हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कई तरह की परेशानियाँ जो है वो यहाँ पर लोगों को हो रही है। चलते सीधे इन्हीं वरिष्ठ नागरिकों से बात करते हैं। भाई साहब, आप मुझे बताइए आप कब से यहाँ पर आए हैं, क्या दिक्कतें हो रही है? देखो सर, कल 4 तारीख को आया, 500 टोकन दिया, अपना नंबर नहीं लगा, वापस गया, तो पहले बोलते नहीं है 500 के देंगे, धूप में खड़े। आज सुबह 6:30 बजे आया, 9 बजे टोकन चालू किया, वो भी नहीं बताते हैं कि इतने बजे चालू करेंगे, बरोबर है। उसके बाद अपने को टोकन दिया, फिर बोले अभी वैक्सीन नहीं है, 12 बजे बाद आओ। 12 बजे बाद आया और नंबर का तो कोई वैल्यू नहीं है, जो आगे वो पहले वो पीछे, ऐसा हो गया है। अच्छा, ऐसा कितना दिन चलेगा? एक बात है, टीका लगाए गए से पहले, टीका लगाने से पहले ही आदमी आता तो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या करेगा? अभी हम सीनियर सिटीजन है, ये देखो बैठे हैं, तो कैसे खड़ा रह सकते हैं? आप कहाँ से आइए, कब से यहाँ पर? काटकोपर से आई हूँ, 6:30 बजे से टोकन लिया है, अभी बोला कि 12 बजे के बाद आओ, 12 बजे हम लोग आ गए, अभी हमारा नंबर कुछ नहीं आया है। 6:30 का मतलब करीब आपको यहाँ पर आए हुए 6 घंटे के आसपास का वक्त हो गया, आप ये क्या? फिर घर गए, फिर वापस आए। अच्छा, और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। कब से खड़े यहाँ पर? हम लोग कल वापस गया, आज भी वापस गया, ना अभी आया, अभी कभी से खड़ा, इससे 6 बजे से आया, तभी अभी 12 बजे बोला आया, 12 बजे आया, तो अभी तो इधर नंबर लगा दिया। 6:30 बजे हम लोग लाइन में आए, टोकन देंगे करके 8 बजे, 9:15 बजे टोकन दिया, बोले अभी जाओ 12 बजे आओ, 12 बजे आ गए तो टोकन का नंबर का कुछ वैल्यू ही नहीं है। अभी 90 नंबर है तो मैं 250 पे खड़ा है, कुछ इधर कुछ है ही नहीं, सुविधा कुछ भी नहीं है। सुविधा सीनियर सिटीजन को वो सुविधा नहीं है, यहाँ सबको एक ही लाइन में लगा दी, ये गलत है। बाकी सब जो चलता है चलता, हमारे देश की आबादी इतनी है, क्या करेंगे शासनकर्ता। लेकिन सीनियर सिटीजन का थोड़ा अलग व्यवस्था होना चाहिए। भाई साहब, आप कब से आए? मैं सुबह 6 बजे आया था, मुझे 9:30 बजे टोकन मिला, और 9:30 बजे टोकन देने के बाद उन्होंने कहा कि 12 बजे वैक्सीन आएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन होगा। अभी भी आके हमको आधा घंटा हुआ है। आप भी आप टोकन के हिसाब से खड़े हैं, आपको भी रैंडमली कहीं भी खड़ा किया? रैंडमली खड़ा किया है, रैंडमली खड़ा किया हुआ। देखिए ये तमाम लोग जो हैं सुबह 6 बजे से यहाँ पर आते हैं टोकन लेने के लिए, लेकिन टोकन के हिसाब से इन्हें खड़ा नहीं किया जाता है। हमने जो टीकाकरण का केंद्र, जो मुख्य केंद्र है, वो काफ़ी पीछे रह गया है, लेकिन कतार जो है काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये स्थिति सिर्फ इस एक सेंटर की नहीं है, मुंबई के कई जगहों पर इसी तरह से जो है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं टीकाकरण केंद्रों पर, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। टीका तो ज़रूर आ गया है, लेकिन मैनेजमेंट और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ताकि इन लोगों को, जो खास तौर पर जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही है, उन्हें ज़्यादा तकलीफें ना उठानी पड़े। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।